गंजाम कविसूर्यनगर में बढ़ुची ब्लॉक राजनीति। पंचायत समिति अध्यक्ष निर्वाचन बेले अप्रतिद्वंदी भाव निर्वाचित होता आशिका विधायकों बोहूं विरोध में एकाठी हेले समिति सभ्य और सरपंच। ब्लॉक रे 21 समिति सभ्यों मधु 14 समिति सभ्य सरपंचों विरोध में स्वर उत्तोलन कर फलरे 10 मास परे आयोजित होइतिबा समिति बैठक अधारु स्थगित होइछि। कविसूर्यनगर ब्लॉक सभागृह ठारे ब्लॉक अध्यक्षांक सभापतित्वरे चतुर्थ साधारण अधिवेशन अनुष्ठित होइतिला। एटारे 21 पंचायतर 7टी समिति सभ्य जोग देइथवा बळे 14 जन समिति सभ्य सरपंच उपाध्यक्ष सांसद विधायिका प्रमुख अनुपस्थित रहिथिले। पूर्वरु ए बैठक आयोजन नै समस्तंकु द्वितीय बैठक पई चिट्ठी होइथवा बळे ब्लॉक पक्षरु चतुर्थ बैठक अनुष्ठित होइथिला जाकु नै उपाध्यक्ष ओ 14 समिति सभ्य सरपंच सभ्य अनुपस्थित रहिथिले। फरे बैठक को अथारु समिति अध्यक्ष स्थगित रखिथिबा सभागृह रे घोषणा करिथिले। तेबे काहे कि बैठक को स्थगित रखा कला ताकु नै नाना प्रश्न उठिथवा बळे संवैधानिक नियम प्रकारे ताकु अध्यक्ष स्थगित करिथिबा वीडियो सूचना दैछन्थिं। ये कथा हला जे मु देखिले बे वीडियो सार कोचन चतुर्थ अधिवेशन किंतु आम मान को चिट्ठी आसला द्वितीय अधिवेशन एवं आम मान गोटे अधिवेशन प्रथम अधिवेशन ही अटेंड करछु। से आउ दुईटी अधिवेशन कुआडे गला चतुर्थ अधिवेशन केमती है सेठी बोर्ड भी मरा है चतुर्थ अधिवेशन एवं बाइट भी समस्ते चतुर्थ अधिवेशन किंतु सेटा द्वितीय अधिवेशन थिला जोटा कि आज कोरोम अभाव रु हेई परला नाही। आपन जोटा कहते जे आपन माने एते संख्यक असहयोग कले बा जोग दे तार मुख्य कारण हूँ जेहेतु जड़े जनप्रतिनिधि से हजार हजार लोकंकर आशा और विश्वास को नहीं कि लोक माने ताकु निर्वाचित कर पंचायत लेवल रो जिला परिषद लेवल किंतु पंचायत समिति रे माननीय अध्यक्षा और तांकर स्वामी अराजकता हेतु कौन सी जनप्रतिनिधि क्षमता को क्षुण्ण कर चतुर्थतम साधारण बैठक आज आम दुई विधायिका एवं आशिका सांसद अनुपस्थिति जो से किसी कार्यक्रम थोड़ा से कहले आज कार्यक्रम को स्थगित करमर निर्देश अनुजाई अन्य एक तारीख घोषणा करम कि सदस्य कवि अनुपस्थित थी जो आज कार्यक्रम को स्थगित कराला। कविसूर्यनगर पंचायत समिति आज चतुर्थ बैठक आहूत होता चतुर्थ बैठक में जो 7 जन समिति सभ्य उपस्थित थे और 14 जन अनुपस्थित थे समिति बैठक में नियम अनुजाई पंचायत समिति अध्यक्ष को अनुरोध करा से बैठक अध्यक्षता करेंगे। पंचायत समिति कार्य परिचालना नियम अनुजाई क्षमतार उपयोग कर आज यहाँ बातिल घोषणा।